मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर, द सेनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। रीड बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? दिस आर द म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, एवरी वन नो अबाउट हिम, ये सारे पीपल्स हैं। थिंक ऑफ द सेनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब भी हम सेनाई को बारे में सोचते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हो कि जो वेडिंग में होता है या कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है उस टाइम पे सेनाई बजती है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताज बिस्मिल्ला खान, और जिसने इस सेनाई को पॉपुलर किया वो जो शख्स है उनका नाम है उस्ताज बिस्मिल्ला खान, द सेनाई माइस्ट्रो, और उनको सेनाई माइस्ट्रो भी कहते हैं, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और वो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एम्परर औरंगजेब ने क्या किया था कि पुंगी जो है उसको बंद करा दिया था, क्योंकि उसकी जो साउंड था ना बहुत अनोइंग थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। अब क्या हुआ, कुछ लोग मानते थे कि ये जो पुंगी है इसको कुछ सुधार करके यूज़ कर सकते हैं। तो बार्बर जो था प्रोफेशनल म्यूजिशियन था और जो रॉयल पैलेस के अंदर जाता था, वो उसने क्या किया, पुंगी को उसने उसको कुछ इम्प्रूव किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने क्या किया कि एक पाइप लिया जो बहुत अंदर से पूरा खाली था और वो longer था और broader था पुंगी जैसा। And made 7 holes on the body of the pipe. और उसके ऊपर उसने 7 holes किए। When he played on it closely and opening some of them holes, soft and melodious sounds were. और उसने जब play करना किया तो एक hole मतलब उसने बंद करना चालू करना start किया तो उसकी वजह से melodious sounds जो है ना वो निकलने लगे। Produce. He played the instrument before royalty and everyone impressed. और उसने क्या किया, उस instrument को play किया और सब लोग बहुत impressed हो गए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. और वो instrument जो था वो इतना अच्छा था कि उसको एक नया नाम दिया गया। As the story goes, since it was first played in the Sa chamber and was played by the Nai. और ये सबसे पहले जो है सा के चैम्बर में बजा था और उसको नाई ने बजाया था। बार्बर द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सेनाई, और इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया सेनाई। यहाँ पे देखा आपको पुंगी दिया हुआ है, पुंगी कैसा था और सेनाई कैसी है। द साउंड ऑफ द सेनाई बिगिन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस, और सेनाई की जो साउंड था वो ऑस्पिशियस माना, पवित्र माना गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इट इज इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसलिए वो टेम्पल में बजाया जाता है और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी उसको यूज किया बजाया जाता है। और नॉर्थ इंडिया में जो भी वेडिंग होती है वहाँ पे आपको कॉमनली सुनने को मिलेगा। इन द पास्ट द सेनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल इम्बेल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। पास्ट में ये जो सेनाई जो थी ऑलमोस्ट रॉयल कोर्ट में प्ले होती थी, टिल रिसेंटली इट वॉज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, और उसके बाद वो टेम्पल और वेडिंग में यूज होने लगी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताज बिस्मिल्ला खान, और इसका जो क्लासिकली स्टेज पे वो फेमस करने का जो क्रेडिट जाता है वो उस्ताज बिस्मिल्ला खान को जाता है। एज अ 5 years old बिस्मिल्ला खान प्लेड अ गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियन स्टेट ऑफ डुमरो इन बिहार। बिस्मिल्ला खान जो थे 5 साल के थे, वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे डुमराव में, बिहार में जो बिलोंग करता है। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत, एट द एंड ऑफ विच ही वुड ऑन अ बिग लड्डू वेट 1.25 kg। वो हर दिन बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे जहाँ पे वो भोजपुरी चैत गाते थे, He would regularly go to the nearby Bihari ji temple, और वो हर दिन Bihari ji temple पे जाते थे
रेगुलरली जाते थे और सिंग द भोजपुरी चैत एट द एंड ऑफ विच ही वुड ऑन अ बिग लड्डू, और उसको ख़त्म होने के बाद उनको बहुत बड़ा सा 1.25 kg का लड्डू मिलता था, 1.25 kg का, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और वो वहाँ के लोकल महाराज उनको देते थे। दिस हैपन 80 years ago, और ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू ऑन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और ये जो बॉय था उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था इंडिया में, द भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, और बिस्मिल्ला जो है वो वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार के। हिज ग्रैंडफादर रसूल बक खान वॉज द सेनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग कोर्ट, और उसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी सेनाई बजाते थे भोजपुर किंग कोर्ट में। हिज फादर पैगम्बर बक एंड हदर पेरेंट्रल एनेस्टर वेयर ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर, और उसके फादर और उसके पेरेंट्रल जो एंस्टर्स थे वो भी सेनाई प्लेयर ही थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इसी की वजह से उनके जो पूरी फैमिली थी वो म्यूजिक से बिलोंग करती थी, इसलिए उनकी लाइफ में म्यूजिक भी जो थी बहुत जल्दी आ गई थी। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मेंट्रल अंकल हाउस इन बनारस, बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटिंग वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सेनाई, और जब उसकी मदर उसको उनको लेके गई बनारस, वाराणसी नॉरेज बनारस, तो वो अपने अंकल की जो म्यूजिक थी सेनाई की उसे फैसिनेट हो गई। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bhak to the Vishnu Temple of Banaras where Bhak was employed to play the सेनाई, और उसके बाद वो अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल जाया करते थे जहाँ पे उनके अंकल को सेनाई प्ले करने के लिए रखा गया था। अली बक वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैपिटेटिव फॉर आर्स एंड ऑन एंड, और अली बख्श जो थे वो सेनाई बजाते थे और बिस्मिल्ला वहाँ पर बैठे रहते थे। स्लोली स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और धीरे धीरे उनको वो सीखने लगे सेनाई बजाना और थ्रू आउट डे वो प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकम the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude, और ये सारे जो टेम्पल्स थे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने प्ले करना स्टार्ट किया। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स एंड दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई, और जो वाटर गंगा की जो वाटर थी वो उनको इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करती थी और उनको वहाँ पे गंगा के पास जो है ना अपने सनाई बजाने में उनको अच्छा लगता था। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल, और जब वो 14 साल के हुए तो उन्होंने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और उस्ताद फैज खान ने उनको पैट किया और बोला कि तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्ला बिग ब्रेक, और जब रेडियो का शुरुआत हुई 1938 में तो उनको बहुत बड़ा चांस मिला। ही सून बिकम एन ऑफन हियर सेनाई प्लेयर ऑन रोड और ऑन रेडियो सॉरी, और इसलिए उनको रेडियो में सेनाई प्लेयर को की तरह रखा गया। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सेनाई, और जब इंडिया को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्ला खान पहले व्यक्ति थे जो नेशन को ग्रीट किया उन्होंने अपने सेनाई से। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू अ राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और उसके बाद उन्होंने रेड फोर्ट पे ये राग काफी जो है वो सेनाई के थ्रू बजाया, और उसकी वजह उसके बाद रेड फोर्ट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो फेमस स्पीच है ना वो ट्राइस विद डेस्टिनी का दिया। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे से परफॉर्मेंस दिए इंडिया में भी और एब्रॉड में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम अ प्राइसलेस परेशियन कारपेट एंड अदर सॉवरिंस और
उनका जो पहला एब्रॉड का ट्रिप था वो अफगानिस्तान का था, जहाँ पे जाहिर शाह ने उनको उनके जो म्यूजिक सेनाई के जो म्यूजिक थी उसकी वजह से उनको प्राइसलेस प्रेसियन कार्पेट जो थी वो दी थी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला म्यूजिक, खाली किंग जो अफगानिस्तान के वो ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जो उनके म्यूजिक से फैसिनेटेड थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी सेनाई। और फिल्म एक्टर विजय भट्ट तो इतने इम्प्रेस हो गए कि उनकी उनकी म्यूजिक से सेनाई की म्यूजिक से कि उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम उन्होंने रख दिया गूंज उठी सेनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी द नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, और फिल्म जो थी वो हिट हो गई और उसमें से एक गाना जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज म्यूजिक इन द सनलाइट वर्ल्ड बिस्मिल्ला खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू टू, और इतनी हिट होने के बाद भी उन्होंने बहुत कम फिल्मों में ही उन्होंने मतलब अपना म्यूजिक दिया। विजय भट्ट गूंज उठी सेनाई एंड विक्रम श्रीनिवासम कन्नड़ वेंचर संधाई अपनम या आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फसाइज, और वो ये मानते थे कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है ना ग्लैमर वर्ल्ड से वो बिलोंग नहीं करते वहाँ पे, और उसे वो बहुत इंफिसाइज करके बोलते थे। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो पहले इंडियन थे जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इन्वाइट किया गया था म्यूजिक प्ले करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड द ऑस्कर ट्रेड फेयर, और उन्होंने कांस में भी अपना म्यूजिक प्ले किया था और ऑस्कर ट्रेड फेयर में भी। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तिहारान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और इतना उनके फेमस म्यूजिक की वजह से फैसिनेट हुए लोगों ने उनके उनके ऊपर मॉस्क का नाम रख दिया तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्ला खान। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री द पद्मभूषण एंड द पद्म विभूषण वे आर कन्फर्म ऑन हिम, और ये सारे जो अवार्ड्स होते हैं नेशनल इंडिया के प्रेस्टिजियस अवार्ड वो भी उनको मिले। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड द भारत रत्न विद कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटरिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और उनको इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है मिला था भारत रत्न का, जिसकी वजह से वो बहुत डिलाइट हुए, उनको बहुत खुशी हुई। ऑल आई वुड लाइक टू से इट टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक एंड दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, और वो ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए क्योंकि वो सबसे इंडिया का सबसे प्योर ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, और इवन बाहर के फॉरनर्स भी हमारे म्यूजिक को लर्न करते हैं सीखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड इज एक्सेडली फाउंड ऑफ बनारस एंड दुमराव एंड दे विमेन इन द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और वो इतनी सारी जगह पर उन्होंने ट्रेवल की पर उनके लिए बनारस और दुमराव जो था उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह थी। A student of his once wanted him to head a nice school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. और उन्होंने बोला कि उनका स्टूडेंट जो था वो चाह रहा था कि यूएस में सेनाई स्कूल हो, तो उन्होंने बोला कि वो वहाँ पे टेंपल भी बनारस के जैसा बना देंगे। बट खान साहब आस्क हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, और वो उन्होंने बोला कि क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ पे ला सकते हो। लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, और इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर देश में होता फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान जाऊँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ बनारस, और जब मैं मुंबई में होता तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ एंड द होली गंगा और गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ दुमराव, और जब मैं
बनारस में होता हूँ तो मैं धुमराव के मठ के बारे में सोचता हूँ। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? शेखर गुप्ता उनसे पूछते हैं कि क्या आपने ये जब पार्टीशन हुआ तो आपने ये नहीं सोचा कि आपको पाकिस्तान चला जाना चाहिए? बिस्मिल्ला खान सैड, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव नेवर नेवर बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सैड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलकुम हुकुम टू इंडियन, आई हैड अ गुड लाफ। और उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग नहीं, मैं बिस्मिल्ला खान, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर, आई वो बोलते हैं कि मैं बनारस कभी नहीं छोड़ सकता, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, वो बोलते हैं मैं पाकिस्तान गया था, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं वहाँ पे गया था, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं आर्स के एक घंटे तक के लिए गया था, आई सैड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने उनको नमस्कार किया, सलाम अलैक किया, एंड टू द इंडियंस आई हैड अ गुड लाफ, और मुझे इंडियंस के साथ मज़ा आ रहा है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान, लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, उनकी लाइफ जो है परफेक्ट है इंडिया में, वो ये मानते हैं कि इंडिया की जो लाइफ है वो परफेक्ट है, रिच है, कल्चरल है, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये मानते हैं कि वो मुस्लिम होने के बावजूद भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में डेली सहनाई बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे ऑन 21st August 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर द प्रोलॉग्ड इलनेस, और 21st August 2006 को उनकी डेथ हो जाती है इलनेस की वजह से। ही वॉज इवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उनका उनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन डे का जो स्टेट मॉर्निंग होता है, नेशनल मॉर्निंग होता है, वो भी रखा था। ओके, ये पूरा चैप्टर जो था बिस्मिल्ला खान के ऊपर था, जो बहुत बड़े सहनाई प्लेयर थे और उनकी वजह से इंडिया को वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया, उनको भारत रत्न दिया गया, ये सारी चीज़ों के बारे में इस स्टोरी में डिस्कस किया गया राइटर के थ्रू। और इस लेसन के जो एक्सरसाइजेज होंगे वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रॉपरली। और बाय।